नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SRIP Edu Farm में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि फार्माकोपिया का क्या मतलब होता है। तो फार्माकोपिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग एंड पोया मीन्स टू मेक। तो ड्रग को बनाना और उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो फार्माकोपिया में होता है। तो इसको अगर हम देखें तो इट इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ यूजुअली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। सभी कंट्री की अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है और जिस कंट्री की होती है उस हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे हमारी है तो हमारी फार्माकोपिया है इंडियन फार्माकोपिया, क्योंकि वो इंडिया की है। उसी तरीके से इंग्लैंड की है तो वो ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो अकॉर्डिंगली ही नाम दिया हुआ होता है। और हमको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये कौन पब्लिश करता है, ये जो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है किसी भी कंट्री का, वो ही इस ऑफिशियल बुक को इशू करते हैं। इट कंप्राइजेज लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज फॉर्मूले अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया थी वो थी 1868 में, जिसको एडिट किया था एडवर्ड जॉन वेरिंग ने। ये जो फार्माकोपिया थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी और इसके जो ऑफिशियल टाइटल्स थे मोनोग्राफ्स के वो लैटिन में थे। ये प्री इंडिपेंडेंस की थी और उस समय ब्रिटिश फार्माकोपिया ज़्यादा यूज़ होती थी और उसी को बेस माना जाता था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वॉज इन, तो वहाँ हमको लिखना है 1868। यहाँ हम इंडियन फार्माकोपिया नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने बोला है फार्माकोपिया ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन जानेंगे इंडियन फार्माकोपिया की। एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, द इंडियन फार्माकोपिया इज द लीगली रिकॉग्नाइज्ड बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रिपरेशंस इंक्लूडेड दे आर इन फॉर इंडिया। ये हमको एज इट इज ध्यान में रखनी है। जो इंडियन फार्माकोपिया का इवोल्यूशन था उसके पहले ये कुछ दो पॉइंट्स हैं जो हमको हमेशा से ही याद रखने हैं। इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन लिस्ट नोन एज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर आर एन चोपड़ा अलॉन्ग विथ अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर्ड। यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब पब्लिश हुई, तो 1946 में हुई, और उसकी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सर आर एन चोपड़ा जी थे, और उस कमेटी में कितने मेंबर्स थे, तो 9 और मेंबर्स थे उसमें। और ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है इन्होंने ही आगे चल के अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष फर्स्ट एडिशन ऑफ IP को पब्लिश किया इन 1955। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, तो हमको बोलना है 1955 में। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 2004 में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और उसके बाद से ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको हम IPC बोलते हैं, ये पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपिया को। ये हमको ध्यान रखना है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या होता है। इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो ये अक्सर पूछा जाता है कि आईपी कौन पब्लिश करता है, तो वहां हमारा आंसर होगा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। यहाँ हमने आपके लिए समराइज किया है कि अभी तक कितने एडिशंस आ चुके हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस टेबल को देखें तो 8 एडिशंस आईपी के आ चुके हैं। फर्स्ट आया था 1955 में, सेकेंड वॉज इन 1966, थर्ड इन 1985, फोर्थ इन 1996, फिफ्थ इन 2007, सिक्स्थ इन 2010, सेवेंथ इन 2014 एंड एट्थ इन 2018। 1955 का सप्लीमेंट आया 1960 में, 1966 का सप्लीमेंट आया 1975 में, और 1985 का एडेंडम आया 1989 में और 1991 में। फोर्थ एडिशन 1996 का एडेंडम आया 2000 में, और एक वेटरनरी सप्लीमेंट आया 2000 में। तो ये पूछा जाता है वेटरनरी सप्लीमेंट कब आया था, तो 2000 में आया था, और किसका आया था, तो इट वाज ऑफ फोर्थ एडिशन। फिर एडेंडम आया 2002 में, फिर एडेंडम ऑफ फोर्थ एडिशन आया 2005 में। सिमिलरली फिफ्थ एडिशन का एडेंडम आया 2008 में, सिक्स्थ एडिशन का 2012, सेवेंथ का 2015 एंड 2016, एट्थ का 2019 में। यहाँ पर आपके लिए हमने ये पिक्चर्स भी दी हैं जिससे आप ये जान सकें कि आपकी आईपी जो है वो दिखती कैसी है। तो 1996 की आप देख सकते हैं एकदम डार्क ब्लू कलर की थी, 2007 और 2010 की लाइट ब्लू शेड थे, 2014 16 वाली मैरूनिश शेड की थी। हमारी लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया आई 2018 में, ये डार्क ऑरेंज कलर की है, और इसका फिर एडेंडम आया 2019 में। तो यहाँ तक हमने आपको इंडियन फार्माकोपिया के कुछ की फीचर्स आपको बताए, और साथ ही साथ आपको ये बताया कि इंडियन फार्माकोपिया के कितने एडिशंस होते हैं। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, हमारा फर्स्ट आईपी कब आया ये आपको पता होना चाहिए, कौन पब्लिश करता है ये पता होना चाहिए, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है ये हमको मालूम होना चाहिए। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो अभी लेटेस्ट एडिशन आया है 2018 का, वो बाकी से कैसे डिफरेंट है, इसकी क्या फीचर्स हैं। थैंक यू सो मच। हमने ये शॉर्ट वीडियो आपको जस्ट ये बताने के लिए किया कि इंडियन फार्माकोपिया के क्या की फीचर्स हैं, कितने एडिशंस हैं, और हमको ये ध्यान में रखना है कि इंडियन फार्माकोपिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हमारी फार्माकोपिया दिखती है, और लेटेस्ट जो है वो कैसी दिखती है। तो होप आगे भी आपको हम इसी तरीके से कुछ नॉलेज वाले वीडियोस देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है हमारे SRIP एडुफार्म में। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।